भले ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन बैंक किसानों को कर्ज चुकाने के नोटिस थमा रहे हैं। ऐसा ही मामला नीमच जिले के आखली गांव में सामने आया है। यहां बैंक से किसानों को कर्ज चुकाने के लिए नोटिस थमा दिया गया है और इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। बैंक से आए इस नोटिस ने किसानों की नींद उड़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि यह नोटिस एक दो किसान को नहीं आया है, बल्कि दर्जनों किसानों को बैंक से नोटिस भेजा गया है। लिहाजा सरकार के कर्ज माफी के वादे का बैंक पर कोई असर नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी के कई दावे किए और बड़ी बड़ी बातें की और 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी करने का वचन देकर सत्ता में आई थी, लेकिन ये सब केवल बातें ही रहेगी। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद कर्ज माफी की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आईसीएक बैंक सोसाइटियों से किसानों को नोटिस दे रहे हैं और 7 दिन के अंदर कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कहा गया है कि अगर हफ्ते भर में अगर कर्ज जमा नहीं करते हैं तो किसानों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं प्रदेश में बैठी कमलनाथ सरकार किसानों के कर्ज को लेकर क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। कि हम माफ करेंगे किसानों का कर्जा, हमारा कोई माफ नहीं हुआ और ये नोटिस आ गया। नोटिस क्या आया? नोटिस ये साहब के बैंक वाले कह गए कि पैसे नहीं भरोगे तो हमारे को जेल करवा देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब साहब ये दोषी तो अब सरकार माफ करे या कमलनाथ सरकार माफ करेगा आगे? तो कमलनाथ सरकार ने माफ किया, लेकिन अभी आपके माफ कहाँ हुआ है? नहीं हुआ साहब, माफ किए के सब कह रहे कि हुए हुए और हमारे तो कुछ नहीं हुआ। ये सोसाइटी से कितना कर्ज है? 2,40,000। माफ हुआ है आपका? नहीं हुआ। सरकार ने तो कहा कि 10 दिन में माफ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या मालूम, सरकार ने ये कांग्रेस वाले ने कहा था 10 दिन करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। और बाद में हमारा तो अभी खेती में खाद पहुँच रही है, उन्होंने फिर हमें दुकान डाल रखे, फसल बेच के भरते, और ये अभी फिर छोटे खाते से चालू किए। 2 लाख वाले को क्या होगा? 2,40,000 वाले तो अभी फसल बीज बीज वाला खाद बीज कहाँ से लाए? 40,000 ब्याज का तोड़िया बीच में। टोटल कितना कर्ज आपका? टोटल 2,40,000। अच्छा, अब बार ना कर रहे पहला का ये अपने तो शुरू कर वही बता रही। क्या बोला बैंक वाले? 45,000 और बाकी भरना। सोसाइटी वाले ने क्या बोला? सोसाइटी वाले ने 45,000 और निकाले ब्याज का। क्या बोला? जमा दंड ब्याज ये भरोगा तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जमा करने के लिए बोला होगा कि जमा करो, आपको पेमेंट? अब बाहर तक तो कहीं नहीं, क्यों फिर भी अब छोटा खाता ले रहा है तो बाद में मांगू नंबर है तो अब मैं फसल बात का लाऊंगा, बीज का लाऊंगा न, फिर याद चालू। कमलनाथ सरकार ने जो 10 दिन का वादा किया था किसान कर्ज माफी का, ये तो आप और हम भी जानते हैं कि 10 दिन में कोई कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन सरकार जो समय देती जा रही है कि पहले दिया था उन्होंने आचार संहिता का एक हवाला दिया था कि आचार संहिता बात करेंगे, अभी तक उसकी प्रक्रिया चालू नहीं हुई, बोल रहे चालू हो रही है, लेकिन आए दिन नई नई खबर आती रहती है। कभी क्या किसानों को उसमें क्या गुमराह किया जा रहा, अभी कई सारे किसानों को उसमें नोटिस दिए गए, बैंकों द्वारा नोटिस समाए गए हैं, तो इसमें किसान एक असमंजस में है। किसान को ये नहीं लग रहा है कि अपना कर्ज माफ़ी हो भी कि नहीं होगी। अभी किसानों का अभी बोवनी का टाइम आ गया, बारिश का समय आ गया, उसको खाद बीज वगैरह लेना, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या आ रही है। और कर्ज माफ़ी अभी तक सरकार की तरफ से संतोषपूर्वक जो आश्वासन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और बैंकों द्वारा नोटिस समाए जा रहे हैं, और बैंकों द्वारा कई कई किसानों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आप अगर समय पर नहीं भरते हैं तो आपके द्वारा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।